नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोता। रीट एग्ज़ाम 2022 जुलाई में है, बहुत ही कम समय बच रहा है। हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों का पेपर नंबर 64 लेकर आया हूं साथियों, जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल हार्ड लेवल का पेपर है, एग्जाम हॉल जैसे आपको प्रश्न इस टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे दोनों लेवल के लिए, लेवल एक के लिए भी है, लेवल दो के लिए भी है। तो पूरे ही 30 प्रश्नों को करके जाना। इसके पहले के जो 63 टेस्ट है वो वीडियो के लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है, उस पर टच करके पिछले 63 टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पूरे ही 30 प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं आपके, प्रश्न नंबर एक है, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से प्रत्यय युक्त शब्द होगा। भूगोलिक यहाँ पर साथियों, भूगोलिक में इसमें बड़ी की मात्रा, इसमें छोटी की, भौगोलिक और भूगोलिक। तो देखो, भूगोल, भू प्लस गोल से भूगोल शब्द बनता है, और इसमें जब हम इक प्रत्यय लगा देते हैं, कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, तो इक तो शब्द बनता है भौगोलिक। विकल्प नंबर 3 आपका प्रश्न नंबर 1 में सही रहेगा, इक प्रत्यय लगाने पर ऊ औ में बदल जाता है साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। एक चीज़ बता दूं, हर जगह बदला, ये जरूरी नहीं है। जैसे एक भाई ने कमेंट किया था, एक मैंने शब्द दिया था धन प्लस इक, तो उसने कहा था कि सर धन प्लस इक में धानिक होगा, क्या होगा, धानिक, उसका एक कमेंट था, लेकिन धानिक शब्द गलत होता है, धनिक शब्द ही शुद्ध होता है। तो हर जगह नियम काम नहीं करता, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। धनिक है, रसिक है, तो साथियों इन शब्दों में इक प्रत्यय लगने पर भी प्रथम शब्द चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरा प्रश्न है, अहन प्लस नीश शब्द की संधि है, अहनीश, अहिनीश, अहनीश और अहनीशी। तो साथियों अहन प्लस नीश, इसको अहन की संधि कहा जाता है, व्यंजन संधि के अंतर्गत ये चलती है, और अहन प्लस नीश से जो शब्द बनेगा वो बनेगा अहनीश। क्या बनेगा साथियों, अहनीश। थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे आपके, प्रश्न नंबर 3 है, कवि पुंगव का सामसिक विग्रह होगा। कवियों में पुंगव, कवि को पुंगव, कवि द्वारा पुंगव और कवि से पुंगव। पुंगव का अर्थ किससे लिया जाता है साथियों, श्रेष्ठ से लिया जाता है। तो कवि पुंगव जो शब्द है इसका आपको समास विग्रह करना है। देखिए, कवि से पुंगव, कवि द्वारा पुंगव या कवि को पुंगव नहीं होता है, बल्कि कवि पुंगव शब्द का जो समास विग्रह है वो होता है कवियों में पुंगव या कवियों में श्रेष्ठ। बिल्कुल, ये एक तत्पुरुष समास का उदाहरण है साथियों। विकल्प आपके 1 सही है, कवियों में पुंग है जो पुंगव, कवियों में अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण हो सकता है। हालांकि कवियों में पुंगव कालिदास को भी कहा जाता है, तो बहुब्री में भी ये कई बार चला जाता है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, इसमें कर्मधारय समास भी कई जगह माना जाता है, याद रखिएगा, एक ही चीज़ में 3-3, 4-4 समास भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, तीसरे प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प ही सही है। तो नेक्स्ट चौथे प्रश्न को देख लेते हैं आपके, प्रश्न नंबर 4, कौन से शब्द की वर्तनी सही है, अनुकूल, तदोपरांत, कवित्री और पुनरुद्धार। तो जिस विकल्प की वर्तनी आपको सही लग रही है प्रश्न नंबर 4 में, उसका चयन आपको करना है साथियों। प्रश्न नंबर 4 में जो सही उत्तर है वो रहेगा, कौन सा रहेगा, अनुकूल। गलत लिखा हुआ है, क में बड़ ऊ की मात्रा लगेगी, तत् प्लस उपरांत, तदुपरांत, ऊ की मात्रा लगना चाहिए, औ की नहीं, कवियत्री नहीं, कवियत्री होता है, क्या होता है, कवियत्री, तो ये भी आपके गलत हो जाता है। अब आपके पास एक विकल्प है बचा है, पुनरुद्धार, जो कि बिल्कुल शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से ये पूर्णतः शुद्ध है, अतः चौथा विकल्प प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से सत्य है, तो डाकू का डाकिन, भेड़ का भेड़िया, सांड का सांडनी और युवक का युवती। साथियों जो सत्य है उसका चयन आपको करना है, तो डाकू का डाकिन, डाकिन शब्द सुना है क्या, नहीं सुना होगा, तो ये आपका आंसर नहीं है। भेड़ का भेड़िया, सांड का सांडनी और युवक का युवती, पांचवें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, थोड़ा प्रश्न अधूरा है साथियों, क्योंकि ऐसा पूछना चाहिए था, निम्न में से लिंग की दृष्टि से सत्य है, लिंग की दृष्टि से सत्य है। तो साथियों यहाँ पर देखिए, सांड का सांडनी ये लिंग की दृष्टि से सत्य नहीं है, क्योंकि मादा सांड आना चाहिए था यहाँ पर, सांडनी शब्द गलत होता है। भेड़ का भेड़िया,
तो भेड़ का भेड़िया यहाँ पर नहीं होगा बल्कि युवक का युवती होगा। लिंग की दृष्टि से पूछा गया था, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ है। तो युवक शब्द पुल्लिंग है और युवती शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही रहेगा, लिंग की दृष्टि से देखा हमने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। इनमें से तात्कालिक वर्तमान या फिर अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? तो विकल्प एक है वह जाता है, दूसरा है वह जा चुकी है, तीसरा है वह जा रहा है, और चौथा है वह जाता होगा। देखो, अपूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जिसमें क्रिया वर्तमान में जारी हो, वर्तमान में क्रिया जहाँ चल रही होती है वो कहलाता है अपूर्ण वर्तमान काल। साथियों, वह जाता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, वह जा चुकी है, जा चुकी है तो यह तो भूतकाल में चला गया, वह जाता होगा और वह जा रहा है, तो इनमें से जो राइट आंसर है वह जा रहा है। जा रहा है मतलब क्रिया वर्तमान में जारी, और जहां क्रिया वर्तमान में जारी होती है वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। साथियों, 7वां प्रश्न देख लेते हैं। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में हुई है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, वह पुस्तक पढ़ रही थी, और उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो जो सामान्य भूतकाल का उदाहरण है वो आपको प्रश्न संख्या 7 में देखना है। साथियों, उसने पुस्तक पढ़ी है तो ये आसन्न भूतकाल का है, क्योंकि इसमें अभी अभी का बोध हो रहा है। जहाँ क्रिया अभी अभी पूर्ण होती है वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। उसने पुस्तक पढ़ी होगी, कन्फर्म नहीं है तो ये संभावना बताई जा रही है, तो ये आपका आंसर नहीं है। वह पुस्तक पढ़ रही थी, पढ़ रही थी मतलब अपूर्ण है क्रिया भूतकाल में, तो ये अपूर्ण भूतकाल का है। और उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ ली है मतलब ये नहीं बता रहा है पढ़ी थी, पढ़ी है ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, पढ़ी होगी, पढ़ रही थी ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, उसने पुस्तक पढ़ी। तो एक सामान्य रूप से क्रिया भूतकाल में हो रही है, अतः यह है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 8वां प्रश्न देख लेंगे। साथियों, 8वां प्रश्न है आपके क्वालिटी वाला प्रश्न। ठीक है, विधानार्थक, इच्छा बोधक, निषेधात्मक, निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। तो पहला विकल्प, छात्र परीक्षा देने वाले गए, देने चले गए, आप दीर्घायु हो और मैं नहीं जानता, जान मैं नहीं जा सकता। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री आ गए, शायद वह आ गया होगा और आपका कल्याण हो। मतलब एक ही विकल्प में तीन तीन वाक्य है। देखो, क्वालिटी कंटेंट की बात करता हूँ मैं बिल्कुल। साथियों, एक ही विकल्प में तीन तीन यहाँ पर आपको वाक्य देखने को मिलेंगे। देखो, एक ही प्रश्न में आपको 12 चीज़ें, 12 प्रश्न आप क्लियर कर सकते हो एक ही प्रश्न के माध्यम से। ऐसा गीत कोई नहीं गा सकता, संभवतः वर्षा जाएगी और गर्मी पड़ रही है। और चौथा है, तुमसे नहीं नहाया गया, मुंबई से बड़ा कोई शहर नहीं और स्कूल में आज कम छात्र है। तो आपको एक क्रम में बताना है कि इच्छा बोधक, निषेधवाचक और विधानार्थक सबसे पहले। तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 8 में सही उत्तर कौन सा होगा। प्रश्न को पढ़ लीजिए, विकल्प को देख लीजिए और फिर सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों, 8वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 1, क्योंकि इसमें पहला जो वाक्य, छात्र परीक्षा देने चले गए, ये विधानार्थक वाक्य है। आप दीर्घायु हो, इच्छा बोधक है जिसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है या कामना की जा रही है। मैं नहीं जा सकता, निषेधवाचक है। तो इसीलिए आपके 8वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, जिन श्रेणी के छात्रों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना उपयुक्त है वह श्रेणी है, दृष्टिहीन बालक, मंद बुद्धि बालक, मूक बधिर बालक और इनमें से सभी। तो 9वें प्रश्न में राइट आंसर देखिएगा, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा जो दृष्टिहीन वाले बालक होते हैं साथियों उनके लिए किया गया था। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दृष्टिहीन बालक है, प्रथम विकल्प में जो रेखा है, दृष्टिहीन बालकों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा देना सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि ब्रेल लिपि का आविष्कार इन बालकों के लिए किया गया था। अतः विकल्प नंबर 1 आपके 9वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देख लेते हैं। साथियों, 10वां प्रश्न है आपके, चित्र, प्रतिमूर्ति, आंगिक चेष्टा आदि के द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण न कर सके तो अध्यापक किसका सहारा ले सकता है? अनुवाद का, शब्दकोश का, मौखिक अभिव्यक्ति का और तीन तीनों का। तो देखो, चित्र के द्वारा, प्रतिमूर्ति के द्वारा, आंगिक चेष्टा के द्वारा वो अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहा है साथियों, तो यहाँ पर अध्यापक इनमें से किसका सहारा ले सकता है? प्रश्न नंबर 10 में राइट आंसर बताइएगा, कौन सा विकल्प सही रहेगा। जब इसने आंगिक चेष्टा मतलब अंगों का प्रदर्शन कर लिया, प्रतिमूर्ति का प्रयोग कर लिया, चित्र का प्रयोग कर लिया, तो साथियों यहाँ पर अध्यापक फिर किसका सहारा ले सकता है? मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा ले सकता है। किसका?
मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब बोल करके वो अर्थों का स्पष्ट कर सकता है, अनुवाद या शब्दकोश आपका आंसर नहीं होगा इसमें। दसवें प्रश्न में थर्ड ही विकल्प आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 11वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? निर्देशित स्वाध्याय पद्धति को, डाल्टन पद्धति को, खेल पद्धति को और प्रोजेक्ट पद्धति को। तो देखो, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु हम जिस पद्धति को अपनाएंगे साथियों, उस पद्धति का नाम आपको प्रश्न नंबर 11 में बताना है। बहुत ही उलझा हुआ प्रश्न है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रश्न अधिकतर बच्चे गलत करेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम बच्चे खेल विधि पर जाएंगे और खेल पद्धति या खेल विधि ही आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति अगर हम खेल के माध्यम से कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। बच्चों की रुचि, मौखिक अभिव्यक्ति छोटे स्तर पर की जाती है और बच्चों की रुचि होती है साथियों खेल में, और जिसमें बालकों की रुचि और वही चीज़ें अगर हम उनके शिक्षण में करें तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रभावी होगा, सरल होगा, सहज होगा, स्वाभाविक होगा और छात्र ज्ञान भी स्थायी होगा साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न 11 में सही है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न देख लेते हैं, सभी अध्यापक निम्न में से किस विधि का उपयोग सफलतापूर्वक नहीं कर सकते, केवल कुछ ही कर सकते हैं? तो व्याख्या विधि, रंगमंच अभिनय विधि, आदर्श नाट्य प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को विकल्प में से हटा दीजिए। देखिए, इस प्रश्न को मैंने पहले भी पूछा था कि यहाँ पर आपके जो सही उत्तर है वो व्याख्या प्रणाली है। मैंने क्या पूछा था आपसे कि सभी अध्यापक इसका सही से प्रयोग नहीं कर सकते, ज्ञान होने के बावजूद भी बहुत सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो सामने वाले को चीज़ों को समझा ही नहीं पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि उनकी जो व्याख्यान पद्धति है, व्याख्यान देने का उनका जो तरीका है साथियों, वो बच्चों के समझ नहीं आता है, ठीक है, वो अच्छे से व्याख्यान दे ही नहीं पाते हैं। बल्कि कई सारे अध्यापक ऐसे होते हैं जो ज्ञान कम रखते हैं लेकिन बच्चों को समझा अच्छे से देते हैं साथियों। तो ये होती है व्याख्यान विधि, जिसका सभी सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते हैं। विकल्प 1 आपके 12वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो 13वां प्रश्न है, प्रयोग प्रणाली किस शिक्षण की विधि है? व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और रचना शिक्षण। 13वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 13 में सही रहेगा साथियों? तो राइट आंसर है आपके प्रश्न नंबर 13 में, देखो, प्रयोग प्रणाली आगमन प्रणाली का ही रूप है और आगमन प्रणाली का प्रयोग किस में करते हैं? व्याकरण में किए करते हैं। अतः प्रयोग प्रणाली भी यहाँ पर व्याकरण शिक्षण की ही विधि है। किसकी विधि है? व्याकरण शिक्षण की। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 13 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। आपके प्रश्न संख्या 14 है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण और व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। देखिए, माध्यमिक कक्षाओं मतलब उच्च कक्षाओं की बात की जा रही है साथियों, तो इसमें व्याकरण का जो रूप सिखाया जाना चाहिए वो आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे साथियों प्रश्न नंबर 14 में? राइट आंसर देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 14 में, तो माध्यमिक स्तर पर व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। कैसा ज्ञान सिखाना चाहिए? व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाना चाहिए साथियों। चौथा विकल्प 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, तो भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 15 में भाई उलझने वाला सवाल है, क्योंकि आप दो विकल्पों को तो हटा दोगे लेकिन दो विकल्पों में से किसका चयन करोगे? अब बताओ, उलझ गए ना। तो देखिए, सरल से कठिन की ओर या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही रहेगा? साथियों, ये कठिन लिखा था, वापस बता रहा हूँ, ये कठिन लिखा था, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें टाइपिंग की जाती है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है। देखिए, भाषा की शिक्षा देते समय हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं बल्कि सरल से कठिन की ओर, कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें सिखाई जाए फिर धीरे धीरे कठिनता की ओर बढ़ा जाए। हालांकि एग्जाम में तीसरा विकल्प भी सही माना जा सकता है, लेकिन हमारी फर्स्ट चॉइस रहेगी सरल से कठिन की ओर। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 16वां प्रश्न है, वाक्य रचना शिक्षण में शामिल है वाक्य के अंगों का शिक्षण, पद क्रम व अन्विति, वाक्यों के प्रकार व विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परस्पर रूपांतरण और इनमें से सभी। तो बताइए, वाक्य रचना शिक्षण में इनमें से क्या शामिल है? प्रश्न नंबर 16 में सही आंसर का चुनाव कीजिए साथियों। कौन सा विकल्प आपके 16वें प्रश्न में सही रहेगा? प्रश्न को पढ़िए अच्छी तरह से और फिर इसके सही उत्तर का चुनाव करना है।
तो राइट आंसर देख लेते हैं आपके 16वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों वाक्य रचना शिक्षण में बच्चों को वाक्य के अंगों का शिक्षण भी करवाना पड़ेगा, पद क्रम व अनविति का ज्ञान भी उनको देना पड़ेगा, वाक्यों के प्रकार कि भाई वाक्यों के 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, ये चीज़ें भी बच्चों को पढ़ानी पड़ेगी। विभिन्न प्रकार के वाक्यों का परस्पर रूपांतरण कैसे किया जाता है ये चीज़ें भी पढ़ानी पड़ेगी। अतः इनमें से सभी वाला जो 4था विकल्प है आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। साथियों 16वें प्रश्न में 4था विकल्प सही रहेगा। तो 17वां प्रश्न, वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि है, निगमन विधि है, गीत अभिनय विधि है और इनमें से सभी। तो 17वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। देखिए वाक्य विश्लेषण के लिए इनमें से हम गीत अभिनय विधि का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका प्रयोग तो पद्य शिक्षण में किया जाता है, वाक्य विश्लेषण में नहीं। बल्कि साथियों 17वें प्रश्न में जो राइट आंसर है वाक्य विश्लेषण के लिए हम भाई गीत अभिनय नहीं तो उक्त सभी भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है आगमन विधि। आगमन विधि का प्रयोग हम वाक्य विश्लेषण के लिए वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु कर सकते हैं जो कि उपयुक्त विधि है। साथियों उपयुक्त मतलब अच्छी है वाक्य विश्लेषण के लिए। तो 17वें प्रश्न में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद और नाटक लेखन। तो देखो लिखित अभिव्यक्ति का जो साधन नहीं है वो कौन से विकल्प में दे रखा है। 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। साथियों लिखित मतलब लिख करके अभिव्यक्त करना, तो पत्र लेखन में भी लिख करके अभिव्यक्त किया जा रहा है, निबंध लेखन में भी लिख करके अभिव्यक्त किया जा रहा है, लेकिन वाद विवाद में तो बोला जा रहा है। अब वाद विवाद लिख करके थोड़ी किया जाता है, बोल करके किया जाता है। अतः वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है बल्कि वाद विवाद किसका साधन है, मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। अतः तीसरा विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। बल्कि नाटक लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति का ही साधन है। तो थर्ड विकल्प आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, लेखन शिक्षण का उद्देश्य है लिखने के कौशल, बोलने के कौशल, पढ़ने के कौशल और इनमें से सभी। तो जो लेखन शिक्षण का उद्देश्य है उसका चयन 19वें प्रश्न में करना है। साथियों लेखन शिक्षण का उद्देश्य पढ़ना या बोलना नहीं होता है बल्कि लेखन शिक्षण का उद्देश्य लिखने के कौशल से संबंधित है। किससे है? लिखने के कौशल से संबंधित है। अतः विकल्प नंबर 1 19वें प्रश्न में आपके बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देख लेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 20 क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 20 में छात्रों को श्रुतलेख लिखाने की उपयोगिता है, हस्तलेख में सुधार के लिए, कक्षा नियंत्रण के लिए, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार के लिए और लिखित कार्य को पूरा करने के लिए। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए साथियों कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में सही है। श्रुतलेख जिसमें अध्यापक बोलता है, कुछ शब्द बोलता है, ठीक है, या कुछ वाक्य भी हो सकते हैं, छात्र उन शब्दों या वाक्यों को सुन करके लिखते हैं और अध्यापक ये देखता है कि भाई इसने कौन से शब्द शुद्ध लिखे, कौन से शब्द अशुद्ध लिखे, और जो शब्द अशुद्ध लिखता है छात्र उन पर अध्यापक के द्वारा गोले किए जाते हैं और उसका शुद्ध रूप बताया जाता है, फिर बालक उन शब्दों के शुद्ध रूपों को लिखता है। साथियों यह होता है श्रुतलेख, अर्थात इसका किसमें उपयोग किया जा रहा है, वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार करने के लिए श्रुतलेख उपयोग किया जाता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 20 में बिल्कुल सही है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे, लेकिन आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता है हमें इन चीज़ों से, तो और ज़्यादा मेहनत आपके लिए करेंगे। चलिए 21वां प्रश्न देख लेते हैं। देखो प्रश्न नंबर 21 है, पैनल चर्चा में जिस भूमिका की आवश्यकता नहीं है वह है अनुदेशक, अध्यापक, अध्यक्ष और शिक्षार्थी या श्रोतागण। तो 21वें प्रश्न का राइट आंसर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। जो पैनल चर्चा की जाती है साथियों, पैनल चर्चा पूर्णतः छात्र केंद्रित विधि है और इस विधि में, इस पद्धति में अनुदेशक की आवश्यकता पड़ती है, शिक्षार्थी की आवश्यकता पड़ती है और इसमें एक अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन अध्यापक निर्देशक का काम करता है, अध्यापक अध्यापक का काम नहीं करता है साथियों। अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 22 है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग
व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? बौद्धिक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को, क्रियात्मक पक्ष को और नैतिक पक्ष को। तो नैतिक और भावात्मक तो इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न में पहले और तीसरे विकल्प में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखो, जो सहायक सामग्री होती है साथियों, सहायक सामग्री का प्रयोग हम जो करते हैं वह हमारे किस पक्ष को अधिक प्रेरित करेगा, बौद्धिक पक्ष को या क्रियात्मक पक्ष को? तो प्रश्न नंबर 22 में राइट आंसर बताना है साथियों। 22वां जो प्रश्न है इसमें कई जगह क्रियात्मक भी मिलता है और बौद्धिक भी मिलता है। हालांकि मैंने भी इसमें बहुत सी जगह क्रियात्मक पढ़ा है, लेकिन लगभग मेरा ये मानना है कि इसमें बौद्धिक पक्ष ही सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उससे हम सीखित हो रहे हैं साथियों, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। अगर आपको तीसरा विकल्प सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं तो आपके 23वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 23 है, किसी भी परीक्षा में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाले और उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं साधारण स्मरण, रिक्त स्थानों की पूर्ति, वर्गीकरण पद और बहुविकल्पीय प्रश्न। तो 23 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प सही है? एक बार प्रश्न को समझ लो अच्छी तरह से, क्योंकि प्रश्न समझोगे ही नहीं तो आंसर सही कैसे हो सकता है साथियों। 23 में जो आपके आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 4, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए जाते हैं वो बहुविकल्पीय है। जैसे अभी अपन कर रहे हैं ना, ये रीट के टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसमें सभी प्रश्न कैसे बहुविकल्पीय, जिसमें एक से अधिक विकल्प होते हैं साथियों। रिक्त स्थान या सत्य सती या हाँ नहीं ऐसे तो नहीं लाता हूँ मैं आपके लिए, जी नहीं, मैं बहुविकल्पीय प्रश्न लाता हूँ और इन्हीं प्रश्नों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत। कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, सत्य सत्य वाले हो सकते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले हो सकते हैं, हाँ नहीं वाले हो सकते हैं, मिलान वाले हो सकते हैं, वैकल्पिक हो सकते हैं। तो ये 5-6 प्रकार इसके होते हैं। विकल्प 4 आपके 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे तो 24वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले और जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए। तो साथियों, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया यूं नहीं है कि भाई अन्य अध्यापक कक्षा में नहीं आ रहे तो आप उपचारात्मक शिक्षण करते रहो, गलत है ये। विद्यालय में समय मिले या छात्र रुचि न ले ऐसा नहीं, बल्कि जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर न हो जाए तब तक उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण जिसमें छात्रों की कमजोरियों को दूर करने का कार्य किया जाता है। तो प्रथम विकल्प 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं, 25वां प्रश्न देख लेंगे आपके 25वां प्रश्न है, किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए प्रयोग करते हैं लागव चिन्ह का, हंस पद का, इकहरा उद्धरण चिन्ह का और पूर्ण विराम का। तो 25 में राइट आंसर बताइए, किसी बड़े शब्द को किस में लिखना है? संक्षेप, छोटे रूप में लिखना है साथियों, तो उसके लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? 25वें प्रश्न में सही उत्तर बताइएगा, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है? तो साथियों, किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाघव चिन्ह का। विकल्प 1 आपके 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे तो 26वां प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सौंदर्यता, विश्वस्त, धैर्यपूर्वक और निरपराध। तो जिस शब्द की वर्तनी आपको अशुद्ध लग रही है उसका 26 में चयन करना है। अतः 26वें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर है, निह प्लस अपराध शब्द निरपराध बनता है, शुद्ध है, धैर्यपूर्वक शुद्ध है, विश्वस्त शुद्ध है, लेकिन सौंदर्यता शब्द क्या है साथियों? अशुद्ध है, क्योंकि शुद्ध शब्द होता है सुंदरता। क्या होता है? सुंदरता। सौंदर्यता शब्द गलत है, बल्कि सौंदर्य शब्द हो सकता है, सौंदर्यता शब्द तो गलत है। सौंदर्य शब्द शुद्ध है, सुंदरता शब्द शुद्ध है, लेकिन सौंदर्यता शब्द क्या है साथियों? अशुद्ध है, गलत है। अतः विकल्प नंबर 1 आपके 26 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे तो 27वां प्रश्न, कौन सा शब्द अविभाव समास का उदाहरण है? चिड़ी मार, मुंह मांगा, पेट भर और राज दरबार। तो देखो, जो शब्द आपको अविभाव समास का उदाहरण यहाँ लग रहा है 27 में, उसका आपको चयन करना है साथियों। राज दरबार साथियों ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, चिड़ी को मारने वाला तत्पुरुष का है, मुंह मांगा मुंह से मांगा हुआ मतलब ये भी तत्पुरुष का है, लेकिन पेट भर साथियों, पेट भर जो शब्द है ये अविभाव समास का उदाहरण है। भर पेट, पेट भर मतलब
पेट भर करके, ठीक है, भर पेट भी आप इसका विग्रह कर सकते हो। विकल्प तीन आपके 27 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देख लेंगे आपके प्रश्न नंबर 28। वीडियो का लास्ट चल रहा है साथियों, 64वां टेस्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले के 63 टेस्ट आप पिछली या एंड स्क्रीन में प्लेलिस्ट आएगी तो उस पर टच करके देख सकते हो। प्रश्न नंबर 28 है, निम्न में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? तो वह टहल रहा है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ और वह 3 घंटे से इधर उधर टहल रहा है। तो जिस विकल्प में टहलना शब्द क्रिया नहीं है उसका चयन 28 में करना है। देखिए वह टहल रहा है, टहल रहा है मतलब चल रहा है, तो बिल्कुल टहलना क्रिया हो रही है, लेकिन टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो साथियों यहाँ पर कोई टहल तोड़ी रहा है, क्रिया कहाँ हो रही है, इसमें सिर्फ टहलना शब्द बोला जा रहा है, मैं रोज़ 1 घंटे टहलता हूँ, तो रोज़ 1 घंटे टहलते हैं तो उसमें भी क्रिया हो रही है, 3 घंटे से इधर उधर टहल रहा है तो मतलब इसमें भी क्रिया हो रही है। तो अतः दूसरा विकल्प आपके 28 का सही आंसर है साथियों। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न है। तो देखो पूर्ण सावधानी के साथ टेस्ट बनाए जाते हैं, लेकिन किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आए तो बेशक कमेंट करिएगा साथियों, सुधार किया जाएगा निश्चित रूप से अगर आप सही रहोगे तो। 29वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में गणितीय अंकों का मानक रूप असंगत है? तो 21, 21, 28, 28, 14, 46 और 54, 54। साथियों यहाँ पर देखिएगा, जिस विकल्प में हिंदी का मानक रूप, यहाँ पर गणितीय अंकों का जो मानक रूप है वो हिंदी में गलत लिख रखा है, तो उस विकल्प का आपको 29 में चयन करना है। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 29 में सही रहेगा? साथियों 21 को 21 कहते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, 28 को 28 कहते हैं और इसको बिल्कुल ऐसे लिखा जाता है, लेकिन 46 को 46 नहीं 46 कहते हैं, मात्र लगेगी इसमें, तो ये गलत है। अर्थात आपके 29 में जो थर्ड विकल्प है वो ही आपके सही उत्तर होगा साथियों। चलिए आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। इल्लत पाल वो मुहावरे का सबसे सटीक अर्थ क्या होगा? छीन लेना, इल्लत पालना, भारी हानि होना और मुसीबत मोल लेना। तो 30वें प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। इल्लत पाल वो एक मुहावरा है, राजस्थानी भाषा का मुहावरा है और इसका जो सही अर्थ है वो होगा मुसीबत मोल लेना। क्या होता है साथियों? यूं ही बैठे बैठे मुसीबत मोल लेना, मतलब इल्लत पाल, अरे ये कैसी इल्लत पाल ली यार, मतलब मुसीबत मोल ले ली बिना मतलब की। तो विकल्प चार आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आपके पेपर नंबर 64 कंप्लीट हुआ साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।